की वीडियो में एक ऐसी टैंक की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, शायद इस तरह की टैंक पूरे यूट्यूब पे आपने कहीं पे भी देखी होगी। ये गाइस T100 टैंक, इसका लुक देखो यार, कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे रहा है। आज मैं इसकी फाइट कराऊंगा बहुत सारे टैंक्स के साथ, और थार के साथ भी फाइट कराने वाला हूँ गाइस। और भी बहुत सारी कार्स है, जैसे की ये एक मिलिट्री ऑफ रोड RC कार है, एक टैंक भी है, ये है हाइब्रिड मिलिट्री टैंक, ये है एक पैंजर RC टैंक। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज ये टैंक को कौन हराता है। लेट्स स्टार्ट। इसके मेन फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, 2.4 GHz का रिमोट है, वाटर बॉम्ब लॉन्च कर सकती है, बहुत ही ड्यूरेबल बैटरी इसके अंदर दी गई है। अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इस तरह का रिमोट हम लोगों को देखने को मिल जाता है ये RC टैंक के साथ। चलो गाइस फटाफट से बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, आज देखते हैं क्या ये RC टैंक हमारी RC थार के सामने टिक पाती है या नहीं। बॉक्स के अंदर से मैंने इसको निकाल लिया है, इसकी जायरो सेंसर वॉच। इस टैंक को हम लोग ये जायरो सेंसर वॉच से भी चला सकते हैं, ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया। तो ये RC टैंक को यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका मॉडल नंबर है TK100। ये पूरी की पूरी एक टाइगर टैंक जैसी ही दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ यहाँ पर वाटर बुलेट्स हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स वगैरह दी गई है, कलर बहुत ही डिफरेंट लग रहा है मेरे को ये टैंक का। ये जो ट्रैक है पूरा का पूरा रबर का बना हुआ है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी सस्ती टैंक में इतना अच्छा बेल्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे एक स्पीकर भी इसके अंदर दिया गया है, यहाँ पर इसकी बैटरी वगैरह दी गई है। इसके साथ मिलती है ये वाली बैटरी, 3.7 वोल्ट 1000 mAh की बैटरी है। और ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, काफी ज्यादा कमाल का डिजाइन है रिमोट का। यहाँ पे दो जॉयस्टिक देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बटन है, यहाँ पे लॉन्च का भी बटन दिया गया है, टैंक के कलर में मैच करके दिया गया है। अभी अनबॉक्स करते हैं, सेम ब्रांड की ये भी टैंक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये भी छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिना वक्त इसके फटाफट से ये टैंक भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, देखते हैं आज फाइट करा के ये दोनों में से कौन सी टैंक जीतती है। यार इसकी तो बैटरी ये वाली टैंक से भी छोटी लग रही है, इसके अंदर सिंगल सेल बैटरी दी गई है, देखते हैं कितनी पावरफुल है ये टैंक। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। ये ब्रांड की जितनी भी टैंक्स होती है ना, इनका रिमोट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कूल दिखाई देता है। इसके अंदर भी बहुत सारे बटन है और बहुत ज्यादा भारी भरकम है। ये टैंक को हाथ लगाते बराबर ही पता चल जाता है कि ये टैंक कितनी ज्यादा रगड़ क्वालिटी की है। इसके अंदर देखो ट्रैक्स के प्लेस में इस तरह के व्हील्स दिए गए हैं ताकि ये ऑफ रोड में और रोड पे भी बहुत स्पीड से चल सके, यहाँ से बुलेट्स वगैरह फायर कर सकती है। यहाँ पे हम लोगों को वाटर बुलेट्स डालने पड़ते हैं। नीचे की तरफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे एक स्पीकर देखने को मिल जाता है, ये भी 4-व्हील ड्राइव है। अब अनबॉक्स करते हैं ये पैंजर टैंक को, यहाँ से मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ। ये टैंक बिल्कुल भी बुलेट्स वगैरह शूट नहीं कर सकती है, पर ये ऑफ रोड में बहुत तगड़े तरीके से चल जाती है। यहाँ पर इसकी कुछ यूजर गाइड वगैरह दी गई है, ये है इसकी बैटरी, इसके साथ बैटरी काफी ज्यादा बड़े साइज की मिल जाती है। यहाँ पर है हमारी पैंजर टैंक, डुअल कलर मिल जाता है, यहाँ पे व्हाइट कलर दिया गया है, यहाँ पे ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है। इसके डोर्स भी हम लोग इस तरह से ओपन और क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे फैंस वगैरह इसके अंदर दिए गए। ये इसका ट्रैक है, इसके ट्रैक की क्वालिटी मेरे को उतनी खास लगती नहीं यार, क्योंकि इसका जो ट्रैक है कम्प्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है, सामने से ये थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका रिमोट, काफी ज्यादा एडवांस क्वालिटी का रिमोट इसके साथ मिलता है। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग है, सिंगल हैंड से भी हम लोग ये टैंक को चला सकते हैं। तो अभी मैं अनबॉक्स करूंगा ऑफ रोड किंग को, आज देखते हैं गाइस हमारी थार टैंक के सामने टिक पाती है या नहीं। ऑलमोस्ट ये थार ने बहुत सारी कार्स को ऑफ रोड में हरा के रख दिया था गाइस, क्योंकि थार को बोलते हैं ऑफ रोड किंग। इसके डोर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है, सामने इस तरह का बंपर देखने को मिल जाता है, सामने से इसका ये जो ग्रिल है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आता है। सभी RC कार्स और सभी RC टैंक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। हमारी न्यू DK100 टैंक ही इन सब में से सबसे ज्यादा छोटी मेरे को लग रही है। चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले T100 टैंक को टेस्ट करते हैं, यहाँ पे वाटर बुलेट्स लोड करने पड़ते हैं। इसका कंपार्टमेंट थोड़ा सा छोटा मेरे को लग रहा है, इसके अंदर 50 से 60 बुलेट्स आप एक बार में लोड कर सकते हो। अभी इसका कैनन टेस्ट करते हैं, कैनन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, जस्ट मेरे को यहाँ पे बटन पकड़ना है, ये फटाफट तरीके से फायर करने लग रही है। इसका कैनन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके रिमोट के ऊपर और भी बहुत सारे बटन है, पर ये मेरे को कुछ काम के लग नहीं रहे, यहाँ पे पूरी तरीके से डमी बटन भी दे रखे हैं। चलो अभी इसको रोड पे चला के देख लेते हैं, ऑब्वियसली टैंक थोड़ी सी स्लो चल रही है, बाकी इसकी कंट्रोलिंग काफी ज्यादा तगड़ी मेरे को लग रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ यार। अभी टच करते हैं ब्लैक हाइब्रिड RC टैंक को, इसके अंदर एक बार में तकरीबन आप 200 से 300 बुलेट तक लोड कर सकते हो। इसका कंपार्टमेंट काफी ज्यादा बड़े साइज का है, इसके भी बुलेट्स देखो यार बहुत फटाफट तरीके से फायर हो जाते हैं। इसका भी कैनन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक दिया गया है, पर इसकी कंट्रोलिंग मेरे को T100 टैंक के मुकाबले में थोड़ी सी खराब लग रही है, क्योंकि ये टैंक थोड़ा सा ज्यादा फिसलने लग रही है। इसकी व्हील्स की पकड़ रोड के ऊपर प्रॉपरली नहीं दी गई है। अभी चलाते हैं पैंजर RC टैंक।
टैंक को, ये टैंक खड़े खड़े 360 डिग्री तक टर्न हो जाता है, पर सैडली इसके अंदर कोई भी कैनन देखने को नहीं मिलता। बाकी ये टैंक भी बहुत ज्यादा कमाल का यार। अभी चलाते मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट आरसी थार को, इसको भी मैं सिंगल हैंड से चला सकता हूँ। इसकी ग्रिप रोड के ऊपर बहुत ज्यादा कमाल की होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रेस लगाऊंगा पैंसर टैंक वर्सेस T100 टैंक के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा टैंक है सबसे ज्यादा फास्ट। T100 टैंक थोड़ा सा आगे चल रहा है, यहाँ पे पैंसर टैंक पूरी कोशिश कर रहा है इसको ओवरटेक करने के लिए, पर T100 इससे जस्ट थोड़ा सा फास्ट मेरे को लग रहा है। क्लियरली रेस को T100 टैंक जीत चुका है। अभी ऑफ रोड में रेस कराते हैं ये दोनों टैंक्स के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से ऑफ रोड में कौन सा टैंक सबसे बढ़िया तरीके से चल पाता है। हाइब्रिड टैंक बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, इसको मैं जैसे ही पत्थरों में लेके आ चुका हूँ या फिर ऊबर खबर जमीन पे लेके आ चुका हूँ, ये यहाँ पे फिसलने लगा है, इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ T100 रोड पर और ऑफ रोड में ये टैंक जीत चुका है। अभी T100 टैंक की रेस कराते हैं ऑफ रोड किंग थार के साथ, देखते हैं गाइस क्या ये टैंक ऑफ रोड किंग थार को भी रेस में हरा पाता है। यानी इसके नीचे बड़ा पत्थर आने पर ये रुक चुकी है पूरी तरीके से, पर अपनी थार देखो यार बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। इसके सामने कितना भी बड़ा पत्थर आ जाए ये उस पत्थर के ऊपर से निकल जाती है। क्लियरली यहाँ पर थार जीत चुकी है। अब ये दो ऑफ रोड आरसी कार्स के बीच में एकदम तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग कराएंगे गाइस, देखते हैं मिट्टी में कीचड़ में चला के इन दोनों में से कौन सी कार यहाँ पर जीत पाती है। दोनों ही कार्स बहुत अच्छे तरीके से ऑफ रोड चल सकती है क्योंकि दोनों के अंदर फोर व्हील ड्राइव है, पर अपनी थार थार है यार, इसके सामने सभी बेकार है। यहाँ पे भी देखो यार पानी के अंदर क्या ही तगड़े तरीके से चल रही है। मिलिट्री जीप जैसे ही पानी के पास आ रही है इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है, पर थार की स्पीड बिल्कुल कॉन्स्टेंट है। ये कीचड़ में जिस तरह से चल रही थी मिट्टी पे भी उसी तरह से चल रही है। क्लियरली यहाँ पर ऑफ रोड किंग थार जीत चुकी है। अभी देखते हैं ये दोनों टैंक्स में से कौन सी टैंक है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में टक्कर हो चुकी है, यहाँ पर हाइब्रिड टैंक काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। ये शुरुआत से ही देखो यार T100 टैंक के ऊपर भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही है। यहाँ पर इसने हरा के रख दिया है T100 टैंक को पुश बैक में। अब देखते हैं ये दोनों टैंक्स में से कौन सी टैंक जीत पाती है। दोनों टैंक्स का वेट बराबर मेरे को लग रहा है। यहाँ पे मेरे को वापस से लग रहा था कि हाइब्रिड टैंक जीत जाएगी, पर पैंसर टैंक की ग्रिप काफी अच्छी है मिट्टी के ऊपर। देखो इसने पूरी तरीके से रोक रखा है हाइब्रिड आरसी टैंक को और धीरे धीरे करके ये हाइब्रिड टैंक को पीछे भी ढक ले जा रही है। क्लियरली यहाँ पर पैंसर टैंक ने हरा के रख दिया है इतनी भारी भरकम हाइब्रिड टैंक को भी। अब देखते हैं क्या ये पैंसर टैंक आरसी थार के सामने टिक पाती है या नहीं। यहाँ पे पैंसर टैंक पूरी तरीके से आरसी थार को उठा के फेंकने की कोशिश कर रही है, पर आरसी थार जैसे तैसे करके इसको पूरी तरीके से रोक रखा है। यहाँ पे आरसी थार पूरी पावर लगाकर इसको रोक रही थी, पर पैंसर टैंक ने इसको ऊपर उठा लिया है और धीरे धीरे करके पीछे ढकेल रही है। ओ माय गॉड, धक्का मार के इसको नीचे गिरा दिया। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, इस टैंक ने आरसी थार को भी हरा दिया भाई पुशबैक में। अब रियल पावर टेस्ट करते हैं गाइस, दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दी है मैंने, अब कराते हैं टग ऑफ वॉर। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, पर धीरे धीरे करके आरसी थार की पावर बढ़ने लगी है। ओ भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हो पैंसर टैंक के यार, इसने तो ट्रैक्स पूरी तरीके से तोड़ के रख दिए, इस वजह से इसको ग्रिप नहीं मिल पा रही है। क्लियरली यहाँ पर आरसी थार जीत चुकी है। थार को टग ऑफ वॉर में हराना नामुमकिन लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन सी फोर व्हील ड्राइव जीत पाती है। दोनों को कीचड़ में मैंने रख दिया है, यहाँ पे दोनों के बीच में टाई होता हुआ मेरे को लग रहा था, पर आरसी थार की जो पावर है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यहाँ पर इसने तो भाई साहब पूरी तरीके से मिलिट्री जीप को हरा के रख दिया है। देखो यार किस तरह से घसीट के लेके जा रही है, और ये मिलिट्री जीप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही है। वापस से आरसी थार जीत चुकी है। यहाँ पर ये सभी आरसी कार्स और टैंक का मैं वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाला हूँ गाइस। बड़े दिनों बाद बहुत ज्यादा बरसात हुई है, देखते हैं कौन सी टैंक इसमें से निकल पाती है। यहाँ पर पानी के साथ साथ बहुत ज्यादा कीचड़ भी है। T100 टैंक बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, पर अचानक से ये रुक चुकी है, इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फिसलन भरी कीचड़ है। अभी चलाते हैं पैंसर आरसी टैंक को, देखते हैं ये इस कीचड़ में से निकल पाती है यानी। यार ये शुरू होते ही रुक चुकी है क्योंकि इसके देखो ट्रैक्स पूरी तरीके से वापस उतर चुके हैं। अब चलाते हैं हाइब्रिड आरसी टैंक को, ये टैंक ऑलमोस्ट आधी डूब चुकी है पानी के अंदर और पानी इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा है यार, इस वजह से इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है। ये टैंक भी हार चुकी है यहाँ पर, इसको भी रखते हैं साइड में। अब उतारते हैं ऑफ रोड किंग आरसी थार को, देखते हैं गाइस थार यहाँ से निकल पाती है यानी। ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक तो ये प्रॉपर तरीके से चल चुकी है भाई, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा थार पूरी तरीके से यहाँ से निकल चुकी है गाइस। इसीलिए थार थार हो गए, सभी बेकार हो गए। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये टैंक्स पसंद है या फिर ऑफ रोड आरसी कार्स पसंद है। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है ऋषि, मनोहर, इब्राहिम, निसार, अनंत, मंदीप, ऋषिकेश, जुनेद, शॉन, देव कुमार। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।